नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी शर्मा। नवरात्र के 9 दिन माँ भगवती अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। भगवती भक्ति के इन पवित्र 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा का विधान है, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से भक्त को व्याधि रहित जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश स्थापना के बाद शुद्ध देशी घी का अखंड दीपक प्रज्वलित कर 9 पुष्प अर्पित करते हुए नवरात्र मंत्रों को ओम प्रभावे नमः, ओम मायामे नमः, ओम जयाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम विशुद्धाय नमः, ओम नंजाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम विजयदाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। अक्षमाला व कमंडला धारण करने वाली देवी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इनकी उपासना दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी भक्तों के संकट हरकर उन्हें आशीष प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर पर महिलाओं को आमंत्रित कर रहे उन्हें भोजन कराकर कलश या घंटी दान करना विशेष फलदायी होता है। नवरात्र के चौथे दिन अष्टभुजा वाली कुष्ठमाता देवी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र के पांचवें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली ये माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। ये सूर्य देव की अधिरात्रि देवी हैं, इसलिए इस दिन देवी की पूजा के बाद सूर्य देव के जल अर्पण करना चाहिए। छठे दिन देवी के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं। इनकी पूजन से मन की शांति व शक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। ख्याति बढ़ती है। माँ दुर्गा जी का सातवां रूप है कालरात्रि। इनकी पूजा सातवें दिन होती है। इन्हें कालरात्रि की महामाया और भगवान विष्णु की योगा निद्रा माना जाता है। इस दिन देवी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी ध्यान करना चाहिए। उनका पूजन ध्यान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्र के आठवें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन श्रद्धा अनुसार कन्याओं का पूजन कर उनका सम्मान करने से घर में सुख शांति आती है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्र के अंतिम दिन देवी के नवे रूप सिद्धिदात्री का पूजन होता है। इस दिन विधि विधान से देवी पर कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए और पूजन के बाद कन्या व लंगूरों को भोजन कराकर उन्हें फल, पुष्प, मिष्ठान आदि दान कराना चाहिए। इस दिन देवी जागरण करने से 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलिए। इससे आप मेरे चैनल की सारी न्यूज़ जल्द से जल्द देख पाएंगे। ये थी ऐसम न्यूज़ की रिपोर्ट।